कभी 5 रुपए के लिए दिन भर खेतों में करती थी मजदूरी, आज करोड़ों डॉलर की कंपनी की है सीईओ। एक बच्ची जो कभी नंगे पांव पैदल चलकर स्कूल जाती थी, अब मर्सिडीज बेंच से चलती है और आज उसके पास 500 से ज्यादा साड़ियों का कलेक्शन है, साथ ही 30 से ज्यादा सनग्लासेस। वैसे तो ये सारी चीजें ज्योति रेड्डी के लिए काफी छोटी हैं, लेकिन किसी समय वे इन सब चीजों के लिए मोहताज थी। आज वह अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ हैं। ज्योति की यह सफलता असाधारण है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के अब तेलंगाना वारंगल जिले के उडीम में हुआ था। वह अपने परिवार में 5 बच्चों में दूसरी सबसे बड़ी लड़की थी और उनके पिता वेंकट रेड्डी एक किसान थे। ज्योति के परिवार के लिए हर रोज एक संघर्ष जैसा होता था। उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी जूझना पड़ता था। जब वह 9 साल की थी तभी उनके पिता ने उन्हें और उनकी छोटी बहन को एक अनाथालय में भेज दिया था। उनका मानना था कि कम से कम वहां रहकर उनकी बेटी को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। उनकी छोटी बहन को वहां घर की याद सताने लगी और वह कमजोर होती गई, इसलिए वह वापस अपने पिता के पास घर आ गई, लेकिन ज्योति वहां डटी रही। ज्योति कहती हैं, यह एक भयानक और बुरा दौर था। मुझे अपनी माँ और घर की याद सताती थी, लेकिन मैं ये समझकर अनाथालय में रह रही थी कि मेरी माँ ही नहीं है। ज्योति ने वहां कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई की। ज्योति उन दिनों को याद करते हुए बताती हैं, उस वक्त अनाथालय में पानी की भारी कमी होती थी और वहां कोई टैप या नल भी नहीं होता था। इतना ही नहीं, वहां बाथरूम की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। मैं बाल्टी लेकर घंटों तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया करती थी ताकि कुएं से पानी निकाल सकूं। वहां मैं अपनी अम्मा को बुरी तरह से याद करती थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी और मन महसूस कर रह जाती थी। ज्योति बताती हैं कि ये सब तो मुश्किलों का एक छोटा हिस्सा था। वह कहती हैं, मैं 2.5 किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलकर सरकारी बालिका विद्यालय पढ़ने जाती थी। जिस रास्ते से मैं जाती थी उसी रास्ते में सेंट जोसेफ स्कूल पढ़ता था। इस इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों को देखकर मैं सोचती थी कि ये बच्चे कितने खुशनसीब हैं जिनके पास अच्छी ड्रेस हैं और पैरों में पहनने के लिए जूते भी हैं। स्कूल में ज्योति हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठती थी क्योंकि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे और वह आत्मविश्वास के अभाव में खुद को हीन समझती थी। ज्योति स्कूल के साथ ही वोकेशनल ट्रेनिंग लेती थी ताकि काम करके अपने पिता की कुछ मदद कर सकें। वह कपड़े सिलने धुलने जैसे घरेलू काम करती थी। वह अनाथालय की देखरेख करने वाली सुपरिटेंडेंट के घर का काम करती थी। धीरे धीरे ज्योति को यह एहसास होने लगा कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए उन्हें एक अच्छी नौकरी की जरूरत होगी। ज्योति ने अपनी सुपरिटेंडेंट से 110 रुपये उधार लिए और आंध्रा बालिका कॉलेज में बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री विषयों के साथ एडमिशन ले लिया। लेकिन ज्योति के पिता ने उनकी शादी एक दूर के रिश्तेदार समीर रेड्डी के साथ कर दी। शादी के वक्त वह मुश्किल से 16 साल की थी। समीर भी एक किसान थे, इसलिए ज्योति को भी खेतों में जाकर काम करना पड़ता था। खेती कम थी इसलिए दूसरे किसानों के धान के खेतों में 10 घंटे तक काम करना पड़ता था, जिसके एवज में उन्हें सिर्फ 5 रुपया मिलते थे। शादी के 3 साल के भीतर ही ज्योति की 2 बेटियां बीना और बिंदु भी हो गईं। घर और बच्चों की जिम्मेदारी आ जाने के बाद ज्योति ने कुछ करने की सोची। उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के अंतर्गत चलने वाले सायंकालीन स्कूल में 120 रुपये प्रति माह की तनख्वाह में टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया। नेहरू युवा केंद्र में ही 1988-89 में उन्हें 190 रुपये प्रति माह मिलने लगे। रात में वे एक पेटी कोट सिलती थी ताकि और अधिक पैसे कमा सकें। यहां उन्होंने 1 साल तक काम किया। उसके बाद उन्हें जनवरी शिक्षा निलयम वारंगल में लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। उन्होंने यहां रहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से 1994 में बीए की डिग्री और 1997 में काकातिया यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले ली। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें एक सरकारी स्कूल में स्पेशल टीचर की नौकरी मिल गई, जहां उन्हें हर महीने 400 रुपये मिलते थे। यहां वह एक किराए का कमरा लेकर रहा करती थीं। स्कूल में पढ़ाने के साथ ही वे रास्ते में यात्रियों को साड़ी बेचा करती थीं ताकि किसी तरह से ज्यादा पैसे कमा सकें। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ज्योति की स्थिति में कुछ सुधार आया क्योंकि उन्हें 6,000 रुपये की नौकरी मिल गई। ज्योति के एक रिश्तेदार अमेरिका में नौकरी करते था। ज्योति भी अमेरिका में नौकरी के सपने देखा करती थी। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा किया। मार्च 2000 में उन्हें अमेरिका से नौकरी का ऑफर आया। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को एक हॉस्टल में भेज दिया और वे अमेरिका निकल गईं। अमेरिका के शुरुआती दिनों में ज्योति रेड्डी को एक गैस स्टेशन में नौकरी करनी पड़ी। इसके बाद वह बेबी सिटिंग,
वीडियो शॉप में काम करती रहीं। डेढ़ साल के संघर्ष के बाद वे भारत लौट आईं। इस दौरान उन्हें एक गुरु ने बताया कि वे अपना खुद का बिजनेस करने के लिए बनी है। इसके बाद वह वापस अमेरिका गई और वहां वीजा प्रोसेसिंग के लिए एक कंसल्टिंग कंपनी खोल ली। ज्योति की किस्मत अच्छी निकली और उन्होंने पहली बार में ही $40,000 की बचत कर ली। फिर ज्योति ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन नाम से अपनी खुद की कंपनी खोल ली। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर की मदद करती थी। सिर्फ 3 साल के अंदर ही ज्योति की कंपनी ने $168,000 का प्रॉफिट बना लिया। आज ज्योति की कंपनी में 100 से अधिक लोग काम करते हैं और उनके पास अमेरिका के अलावा इंडिया में 4 घर हैं। उनकी कंपनी का टर्नओवर $1.5 करोड़ से अधिक है। ज्योति सफलता की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद आज भी अपनी जड़ों को भूली नहीं है। वह गरीब और बेसहारा बच्चों की मदद करने में सबसे आगे रहती हैं। ज्योति रेड्डी दिव्यांग युवाओं की शादी में भी सहयोग देती हैं। हाल ही में उन्होंने 99 ऐसी शादियां कराई हैं। ज्योति ने अपने कड़े संघर्ष से ये साबित कर दिया कि अभाव किसी व्यक्ति को सफल होने से नहीं रोक सकता।